फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 20 mm हवा ड्रिल में कैसे हम उसका प्रोटेक्शन स्लिप या फिर चक उसको कैसे हम लगा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताया था 26 mm मशीन में कैसे हम चक लगा सकते हैं, उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर उसको देखना है तो ऊपर में आपको मिल जाएगा आई बटन में, तो आप उसको देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए फ्यूचर में वीडियो देखने के लिए, क्योंकि पावर टूल्स के हर जितने भी प्रॉब्लम है उसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ और भी आगे मिल जाएगा आपको वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसमें एक स्प्रिंग लगती है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसर स्प्रिंग, और उसके बाद उसके एक पतला सा वाशर आता है उसको हम लगाएंगे, और वो वाशर में एक घाटी रहता है और उसमें टू लेवल में एक घाटी रहता है जैसे कि आप देख रहे हो, उसमें वो परफेक्टली बैठना चाहिए। उसके बाद हमको उसमें एक छोटा सा बल्ब लगाना है जो आप देख रहे हो सामने। उसको लगाने के बाद उसके ऊपर एक मोटा सा वो वाशर लगता है, देखिए ये लग गया। और उसके बाद ये प्लास्टिक का प्रोटेक्शन कैप लगता है, और उसके बाद हम ये देंगे लॉक जिसको हम सर्किल भी बोलते हैं। उसको लगाने का आसान सा तरीका है, आप इनर आउटर प्लस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसमें आउटर प्लस लगते हैं, आउटर प्लस यूज़ करके आप लगा सकते हो। या फिर इससे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, शायद आपके पास ये चीज़ नहीं होगा तो इसलिए एक टेस्टर लीजिए, और उसके बाद आप एक तरफ, मतलब उसमें एक दो मुंड रहता है, एक तरफ आप उसको प्रेस करके लगा सकते हो, और उसके बाद जैसे कि ये देखिए वन साइड से आप उसको लगा के चारों तरफ घुमा के उसको बैठा सकते हो, जैसे कि मैं अभी ये बैठ गया। दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाने के लिए, और उसके बाद मैं चेक करूँगा उसको, ये परफेक्टली काम कर चुका है, कर रहा है, तो हम उसके बाद उसका कैप लगाएंगे, ऊपर में जो डस्ट कैप लगता है उसको लगाएंगे। ये हो गया कंप्लीट, अभी हम उसको चेक करेंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था 26 mm मशीन के बारे में, 26 में कैसे हम उसका प्रोटेक्शन स्लिप लगा पाएंगे, और ये वीडियो में मैं आपको बताया 20 mm के बारे में कैसे हम उसको लगा सकते हैं अपने मशीन में। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू।